तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे मैंने अगली वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आड़ा बोर करते हैं कुएं में, उस आड़े बोर के विषय में बताया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा और पर्सनली कॉल भी किया कि कैसी मशीन रहती है, पूरा वीडियो सही से बना के और हमें दिखाइए। और कुछ हमारे मित्र ऐसे थे कि जो कि बीट के विषय में पूछ रहे थे कि आपके जो होल लगाते हैं वो तो बीट कैसा है आपके पास, तो वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की हमारा जुगाड़ होता है ये मशीन का पूरा आड़ा बोर करने का। ये आगे का सीन आप देख सकते हैं, आगे से इस प्रकार से होता है। ये जो हैंडल आप देख रहे हैं इसको हम घुमाते जाते हैं और ये टोचन की सहायता से ये राड हमारी आगे बढ़ती जाती है और ये इसमें आड़ा बोर हो जाता है। इसको हम जमाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें ये जो जैक होते हैं, ये दो जैक, एक ये इधर वाला, एक इधर वाला, इन दोनों को हम इस दीवार में कोई सांग की सहायता से थोड़ा सा गैप बना के इस प्रकार से और लगा देते हैं। उसी प्रकार हम पीछे भी यही करते हैं, पीछे भी ये इस प्रकार से, पीछे ये पाइक होते हैं, इसके अंदर ये पाइक अंदर डल जाते हैं यहाँ से, ये यहाँ से, तो जितनी आवश्यकता हो उतने हम ये पाइप निकाल के और अंदर डाल के और ये किलाम की सहायता से इसे इतना स्थाई कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा ठिया रहता है जिससे कि हम राड को घुमाते हैं इस राड को। तो इस पर क्या करते हैं हम कि ये यहाँ पर मोटर को हम कस देते हैं और मोटर को कसने के बाद ये बेल्ट होता है हमारा, ये बेल्ट मोटर में लग जाता है और इस पुली में लग जाता है नीचे। और उसके बाद है जो मोटर की सहायता से पुली घूमती है और पुली की सहायता से ये गियर और फिर हमारी राड घूमने लग जाती है और हमारी मशीनें जो आड़ा बोर करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही दोस्तों, आपने कमेंट किया था, पर्सनली कॉल भी किया था कि भाई आप बीट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एक ये बीट का इस्तेमाल करते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, यह है जो ये जो कड़क पत्थर रहता है इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ये इतना बड़ा रहता है, ये लगभग आपको यदि आप बनवाएंगे तो देखने में छोटा है लेकिन लगभग आपको 1500 से 2000 रुपये का ये बीट पड़ेगा, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये कड़क पत्थर के लिए है, यदि कड़क पत्थर आता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और बाकी यदि मान लो कि कच्चा पत्थर चल रहा है तो कच्चा पत्थर के लिए फिर हम ये इस प्रकार का बीट यूज़ करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप इधर से, ये इसमें भी उसी प्रकार के दांत होते हैं लेकिन ये इसमें एक एक तरफ होते हैं, दोनों तरफ नहीं होते हैं और आगे से चपटा होता है और ये दांतों के थोड़ा सा पीछे ये गैप रखते हैं हम ताकि जो कच्चा पत्थर रहता है वो कि हमारा चोक ना हो और ये पीछे से पानी के प्रेशर से वो जो मिट्टी रहती है उसको बाहर निकाल देता है। और मिट्टी को बाहर निकालने के लिए ये हम मोटर का यूज़ करते हैं जिससे कि ये इसमें लगी रहती है ये मोटर, ये वाली मोटर, इसमें राड के अंदर हम इस पाइप को चला देते हैं जिससे कि राड के अंदर पानी जाता रहता है और होल का सारा मटेरियल है जो बाहर आ जाता है, मोटर को हम ये इस रस्सी की सहायता से नीचे पानी में लटका देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने कमेंट किया था तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको पता लगी क्या, हमारे राजस्थान वाले भाई सब थे और कुछ हमारे यहाँ से शाहजहाँपुर ज़िले के भी थे, तो आप दोनों ने हमसे पूछा था पर्सनली कॉल लगा के भी कि आप कौन से बीट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको बीट भी दिखा दिया है कि कौन सा बीट यूज़ करते हैं। बाकी ज़्यादा दूर यदि साइट मिलती है तो हम दूर की साइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं MP से हूँ, यदि हमें 50 किलोमीटर के अंदर अंदर की कोई साइट मिलती है तो उसे हम करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा मिलती है तो फिर हम नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो आप तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।